वाला युवा अनैतिक और अश्लील होता जा रहा है। टेक्निक की इस युग में उन्हें इस दुनिया इस दयनीय स्थिति में बचाना नामुमकिन सा लगता है। इसे बचने का उपाय क्या है? एक ही उपाय, आध्यात्मिक अगर बनेगा, और किसी में उपाय नहीं है। अगर वो आध्यात्मिक बनेगा, उनका अंदर का चीज़ ठीक कर देगा, तो बाहर का चीज़ ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। जैसा एक गड्ढा था, बारिश जब आ रहा था उसमें पानी गिर रहा था, उसको तकलीफ हो रहा था। उन्होंने बारिश को बोला, तुम हर बार जहाँ भी आते हो मेरे पास क्यों आ जाते हो? मैं दूसरा आदमी को बोलकर उसको निकाल लेता हूँ, निकालने के बाद फिर आ जाते हो, मेरा साथ तुम्हारा क्या एनिमिटी है, क्यों तुम बार बार गिर जाते हो मेरे अंदर में? तो बारिश ने बोला, तुम जैसा हो मैं कहाँ गिरने से भी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तुम अगर प्लेन हो जाओगे, नहीं तो एक पहाड़ जैसा हो जाएगा, मैं तुमको एश्योरेंस देता हूँ तुम्हारा ऊपर गिरने से भी नहीं रहूँगा, तुम्हारे पास चले जाऊँगा। ऐसा ही समस्या का गड्ढा हमारा अंदर में, जो हम लोग बोलते हैं ना अनैतिकता, सब कुछ हमारा अंदर चेतना में है, उसको अगर ठीक करेंगे कौन ठीक करेगा? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक का अलावा और कोई साइंस टेक्नोलॉजी आपको ठीक नहीं कर पाएगा। अगर वो ठीक हो जाएगा, जितना भी हमारा नेचर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो अगर भी आ गया टिक नहीं पाएगा, गिर जाएगा। तो ओनली सोल्यूशन स्पिरिचुअलिटी। इसलिए हमारा जो वैदिक काल में स्कूल में पहला शिक्षा क्या दे रहे थे? आत्मज्ञान, मैं कौन हूँ, उसका बाद बाकी कौन है दिया रहा है। पहला शिक्षा दे जा रहा था कि मैं कौन हूँ। अभी वो मैं कौन का कोर्स स्टडी में नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बाकी का चीज के लिए हम लोग का ज्ञान है, लेकिन मैं कौन हूँ पता नहीं। तो वो मैं कौन हूँ वही है स्पिरिचुअलिटी। मैं क्यों आया हूँ, मेरे लिए क्या, मेरा स्वधर्म क्या है, या मैं क्यों, किस लिए मुझे भगवान ने सृष्टि किया है, इसको जानने के लिए पहला स्पिरिचुअलिटी शुरू होता है। उसको रूप देना लाइफ चेंज कर देगा आपको। अगर वो नहीं कर पाते हैं, हम लोग को पता नहीं हम लोग क्यों आए। अगर वो डॉक्टर बन गया तो उसका पीछे मैं भी डॉक्टर बन जाता। मुझे अगर आप पूछेंगे क्यों डॉक्टर बना, वो बन गया तो इसलिए बन गया, उसमें ज़्यादा पैसा है, प्रेस्टीज है। अरे भाई तुम किस लिए आए हो पता नहीं। तो जीवन डॉक्टर बनने से भी वो आनंद में नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए नहीं आया। जो जिसके लिए नहीं आया अगर वो बन गया तो जीवन व्यर्थ है। ऐसा देखिए, ये इसको कौन बनाया? मनुष्य ने बनाया। इसका एक पर्पज है ना, ऐसा ही बना दिया। पर्पज है, मैं जो बोलता हूँ आपका पास आता है। ये तो घर बनाया, किस कौन बनाया? मनुष्य बनाया। किस लिए बनाया? रहने के लिए। एक गाड़ी बनाया, किस लिए? जाने आने के लिए। अगर घर बोलेगा हर रोज एक ही पास रहकर, वो रहकर बोर हो जाता है, मैं भी गाड़ी जैसा इधर उधर जाऊंगा, तो क्या होगा गाड़ी, ये घर का स्थिति? वो स्टार्ट करने से ही गिर जाएगा, क्योंकि वो ऐसा बना है नहीं। गाड़ी अगर बोलेगा मैं यहाँ इधर उधर जाकर बहुत अच्छा नहीं लगता, एक जगह में रहूँगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? गैरेज में बेच देंगे, बोलेंगे तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। ऐसे ही हम लोग जो आए हैं, जिस पर्पज के लिए आए हैं, वो काम नहीं कर लिए किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ का प्रमाण है हमारा जीवन दुखमय है। तो चेंज इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ चेंज इज लाइज इन द स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता में ही है। आध्यात्मिक का पहला चरण है मैं कौन हूं। श्री अरविंद के जीवन में श्री कृष्ण का क्या प्रभाव था? बहुत प्रभाव था, क्योंकि जब वो फ्रीडम फाइटिंग में थे, ब्रिटिश सरकार नहीं, आप लोग अगर जाएंगे तो जाइए, नहीं तो कंसंट्रेट कीजिए, इधर कंसंट्रेट कीजिए, नहीं तो हम लोग क्लोज करेंगे, नहीं तो मेरा भी समय नष्ट होता है। आप बोल दीजिए, क्या जानना चाहते हैं कि रहना चाहते हैं? नहीं, भी सुन रहे हैं सब, अच्छे से सुन, आप बताएं। हाँ,
सब बच्चे सुने वो तन्मयता से सुने। ठीक है, तो श्री कृष्ण जब श्री अरविंद जब फ्रीडम फाइटिंग में थे तब उनका फॉल्स केस में अलीपुर जेल में रख दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट, मोस्ट डेंजरस पर्सन बोला है उनको। उस समय वो अपने आप को पूछा, भगवान किस लिए इधर आए, मुझे लेकर आ गया, कितना बड़ा काम मैं कर रहा था। तो श्री कृष्ण आविर्भाव हुए, उनको बोले इससे बड़ा काम तुम्हारे लिए होगा और ये काम आ जाएंगे दूसरा लीडर्स कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा लिए जो काम है इसीलिए तुमको इधर मैं ले आया हूँ, ब्रिटिश सरकार नहीं ले आया। ये जो मनुष्य का बाद में जो अतिमानव होगा उसका काम तुम्हारे थ्रू में होगा, पांडिचेरी जाना होगा, वहाँ वहीं पर तपस्या करना होगा, वही श्री कृष्ण ने उनको बोला। तो बहुत बड़ा रोल है उनका जीवन में। हम आध्यात्मिकता को के साथ अपनी पढ़ाई, करियर और शारीरिक विकास के कैसे जोड़ सकते हैं, ये जोड़ने का चीज़ नहीं है, आध्यात्मिक एक चेतना का स्थिति है, ये काम है। अगर आध्यात्मिक चेतना में आप रह गया, आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा तो अच्छा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, हैं, शरीर अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जो चीज़ खाने के लिए अच्छा है वही खाने के लिए इच्छा होगा। अभी जो खाने जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है वो खाने के लिए इच्छा होता है, क्योंकि हमारा चेतना आध्यात्मिक नहीं हुआ। तो आध्यात्मिक चेतना जोड़ने का चीज़ नहीं है, आध्यात्मिक चेतना में अगर आप रह गए बाकी काम नेचुरली बेस्ट होगा। आप जो काम करना चाहते हैं अभी कन्फ्यूजन में है, ये करूँगा ये करूँगा, रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, उस समय रॉन्ग डिसीजन का संभावना ही नहीं है, राइट डिसीजन आपका अंदर में आ जाएगा, ये करना है तो आप वही करेंगे, तो जीवन कैसा होगा, नेचुरली ब्यूटीफुल होगा। करियर सक्सेस मनी का पीछे भागना ही जरूरत नहीं है, वो आपका पीछे भागेगा, बोलेगा जितना ज़रूरत है ज़्यादा आएगा ना, ज़्यादा आने से प्रॉब्लम है ना, घर में अगर चोर आ जाएगा रात में डिस्टर्ब करेगा तो प्रॉब्लम है, CBI आएगा डिस्टर्ब करेगा, तो जितना ज़रूरत है वो आपका पीछे भागेगा अगर आप अगर स्पिरिचुअल हो रहे। करियर सक्सेस मनी का पीछे आपको भागना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कैपेसिटी इतना होता है कि आपको जितना ज़रूरत है, जैसा एक फूल अगर खिल गया तो ऑटोमेटिकली बटरफ्लाई आ जाता है, उसको इन्विटेशन दिया जाता है कि मैं अभी खिल गया तुम आ जाओ, प्रस्फुटित हो गया तुम आ जाओ, ऐसा बोलते हैं कि ऑटोमेटिकली हो जाए। ऐसा ही जीवन जब आध्यात्मिक हो जाता है, बाकी जो उनका नेसेसिटी है जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं कम नहीं, जितना ज़रूरत है उतना उनका पास आएगा, वही काम मिलेगा जो काम उनके लिए अच्छा है। तो मूल मेन काम है हम लोग को स्पिरिचुअल होना। स्पिरिचुअल का पहला चरण है कि मैं मेरे लिए जीऊंगा नहीं, हर टाइम होल टाइम मैं आई एम थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, मेरा क्या होगा, यू कैन नेवर बी स्पिरिचुअल। पहले से अपने आप से निकलो, ठीक है, और कोई है अगर विश्वास है तो उसको साथ संपर्क रखने के लिए चेष्टा करो, जो क्रिएट किए हैं उसका साथ संपर्क अगर रहेगा सब ठीक चलेगा। सूर्य है, ये जो प्लैनेट सब है उनका चारों तरफ में घूमते हैं तो ठीक रहते हैं, अगर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये लोग का क्या होगा, जो प्लैनेट सब का क्या होगा। ऐसा ही हमारा सूर्य है भगवान, भगवान का साथ संपर्क अगर रहेगा तो जीवन अच्छा है, अगर संपर्क टूट गया तो बिगड़ गया सब। तो मैं मुझसे निकलना है ये पहला चीज़, दूसरा है ऐसा कोई है जिसका साथ मेरा संपर्क रखना है, तीसरा है मैं कितना अनसेल्फिश एंड अनइगोइस्टिक होऊंगा, हर चीज़ में मेरा सेल्फिशनेस और ईगो आ जाता है, इसको कैसा निकालना है ये थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो स्पिरिचुअल होंगे। बाद में तो पुस्तक है, मेडिटेशन है, ये सब भी है, लेकिन ये सब चीज़ अगर फंडामेंटल चीज़ हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और सिर्फ दो प्रश्न है, मैं और मेरी का भावना को कैसे दूर किया जा सकता है, वास्तव में मैं कौन हूँ,
वास्तव में मैं हूँ भगवान का जो आत्मा मेरा अंदर में है वो है वास्तव मैं हूँ। अभी का मैं हूँ मेरा अहंकार। जब तक ये वास्तव में मेरा लीडर नहीं हो पाएगा जीवन में तब तक ये ईगो उसका प्लेस में काम करेगा। जब तक भगवान सम्मुख में नहीं आए तो ईगो हमारा जीवन को लीड करते जाएगा और उसका ज़रूरत भी है। क्या ज़रूरत है ईगो का? ईगो ही हम लोग को जीवन को बनाता है। पहला ईगो वाज द हेल्पर, ईगो इज द बार। ईगो वाज द हेल्पर, ईगो इज द बार। ईगो कैसा हेल्पर है कि वो हम लोग को बनाता है। कैसा बनाता है? ईगो क्या बोलता है? सपोज आप अच्छा पढ़ते हैं वो अच्छा नहीं पढ़ता है, मैं उनको बोलूँगा देखो वो मनुष्य है तुम भी मनुष्य हो, वो कैसा अच्छा पढ़ता है तुम क्यों अच्छा नहीं पढ़ते, तो उनको ईगो हर्ट करता है। वो बोलते हैं आप नेक्स्ट टाइम आ जाए मैं भी दिखा दूंगा, तो पढ़ने लगता है। तो जो इग्नोरेंट स्टेट में ईगो हम लोग को प्रेरित करता है कुछ होने के लिए, लेकिन जब भगवान का स्थान ले आने के लिए वो अपच करता है, मैं तो हूँ तुम कौन आ गया। वहीं पे साधना का चीज़ आता है, वहीं पे ईगो को सरेंडर करने का चीज़ आता है। जैसा एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, एक घर बनाने के लिए हम कंट्रैक्टर को देते हैं, उसको बोलते हैं कि इतना पैसा कमीशन मिलेगा तुम ये घर बनाओ। घर बनाने के बाद अगर वो बोलेगा मैं घर बनाया मैं तुमको नहीं दूंगा, मैं बनाया मैं रहूंगा, तो हम क्या बोले, मैं क्या बोलूंगा? मालिकाना हक मेरा है, तुमको बनाने के लिए दिए है, थोड़ा सा अगर कमीशन ज़्यादा है तो ले लो, लेकिन छोड़ना पड़ेगा नहीं तो पुलिस को जाकर रिपोर्ट करूँगा। ऐसा ही भगवान ईगो को दिए थे कि मेरे लिए एक घर बनाओ, वो घर है मनुष्य का शरीर। इतना क्रोर ऑफ ईयर्स लगा ईगो को मनुष्य शरीर को बनाने के लिए, अभी बन गया। अभी भगवान चाहते हैं कि मैं उनका घर में वो रहेंगे। वो जो कॉन्ट्रैक्टर है ईगो, वो बोलता है मैं तो बनाया मैं रहूँगा, तुम कहाँ आ जाते हो, तुम्हारा मालिकाना हक नहीं है, तुमको सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। तो अभी ऐसा है समय आ गया कि वी हैव टू टेल आवर ईगो दैट योर आवर इज गन। जैसा एक हेडमास्टर है वो रिटायर हो गए हैं, हम लोग उसको सम्मान देंगे लेकिन वो अगर उनका चेयर नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? हम बोलेंगे आपका समय पूरा हो गया। ऐसा ही अभी ईगो का समय पूरा हो गया, अभी भगवान आने का समय आ गया, भगवान हमारा जीवन का नेतृत्व लेंगे। तो इसी का बोलते हैं कि एक नया युग शक्ति युग आता है। शेष प्रश्न है, हम यह मानते हैं कि इस संसार में सभी प्राणी प्रकृति की सृष्टि है, इस ऋण से हम कैसे मुक्त हो? सब मूलतः हम भगवान से ऋणी हैं, भगवान हमको क्रिएट किए हैं, ये जो प्रकृति उन्हीं का व्यवस्था है। अगर भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हमारा जो प्रकृति का साथ जो दुर्व्यवहार है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, प्यार आ जाएगा। प्रकृति के लिए अलग से जो सिस्टम्स बनाते हैं उसमें वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन भगवान को प्यार करेंगे तो प्रकृति के लिए अपना आप प्यार अपने अंदर में जागेगा, क्योंकि वो ही व्यवस्था किए हैं हमारे लिए, प्रकृति को दिए हैं। तो यहाँ पे भी स्पिरिचुअलिटी ही सॉल्यूशन है। बाकी जो अभी नेचर को बैलेंस करने के लिए साइंस ट्राई कर रहे हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, एक चीज़ कर रहे हैं दूसरे तरफ में न्यूक्लियर बम फेंक देता है तो फिर पोल्यूशन आ जाता है, प्लस माइनस कैंसिल होता है, माइनस ज़्यादा हो जाता है कि नहीं? जितना हमारा नेचर के लिए स्पीच वो सब जीरो हो जाता है, एक घंटा में सब चला जाता है इधर उधर। अभी जितना पोल्यूशन हुआ रशिया और यूक्रेन में, वो पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए कुछ 100 ईयर्स लग जाएगा। तो भगवान को पाने से ही नेचर के लिए सम्मान हम लोग दे सकते हैं। केवल नेचर नहीं, हर चीज़ को सम्मान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मूल को पकड़ना है, वो उसको पकड़ने से बाकी सब ठीक हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
It was the hour before the gods awake. Across the path of the divine event, the huge foreboding mind of night, alone in her unlit temple of eternity, lay stretched, immobile, upon silence marked. Almost one felt opaque, impenetrable, in the somber symbol of her eyeless view, the abysm of the unbodied infinite, a fathomless zero occupied the world.